तो भाई और बहनों कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज की इस वीडियो में अपन लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट को, बट ये एक अलग ही वे में होगा। मतलब जिस बंदे ने भी नाम सुना होगा फेक पिक्सल का, वो तो जानते ही होगा कि इस सर्वर को मतलब कैसे सर्वर्स होते हैं अच्छे तरीके से। वो हमारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के सबसे बड़ा सर्वर है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा सर्वर है वो। और आज वैसे ही सर्वर में हम लोग खेलने वाले हैं, बट फिर वो हाई पिक्सल तो नहीं है, तो उसी के जैसे ही एक अल्टरनेट मुझे एक सर्वर मिला है जिसका नाम है फेक पिक्सल स्काई ब्लॉक। मतलब ये अलग ही सर्वर है, बहुत बढ़िया सर्वर है। और यकीन मानो मेरे को इसमें खेलते हुए 5-6 महीने हो गए हैं। तो मतलब इसमें मैं स्टार्टिंग में तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊँगा और मैं इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताऊँगा। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो जिस और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेगा, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस मिले मेरी फेक पिक्सल वाली वीडियोस। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा इस वाले एनपीसी पे क्लिक करके स्काई ब्लॉक वाले में, और आप लोग देख सकते हो 700 प्लस बंदे खेल रहे हैं इसमें, 700 प्लस। और रात या फिर किसी ऐसे टाइम पर 1000 प्लस ही बंदे खेलते हैं, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि इस सर्वर की कितनी अहमियत है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इसके सर्वर के अंदर एक बार चलते हैं। हाँ गए हैं हम लोग इस सर्वर में, और मतलब आप लोग इस सर्वर में मुझे थोड़ा बहुत अमीर कह सकते हो, मतलब अमीर हूँ मैं। हाँ इस सर्वर में अमीर हूँ मैं कह सकते हो। जैसे आप लोग मान लो इसमें ना, मतलब मैं आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर कोई न्यू प्लेयर आएगा यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन होने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरे मैप के बारे में समझाता हूँ। तो ये है हमारा ऑक्शन हाउस, ये है हमारा ऑक्शन हाउस, और ये है हमारी बाज़ार। तो ये बाज़ार अभी मेरी खुली हुई है, ये मेरी बाज़ार अभी खुली हुई है। इस बाज़ार को ओपन करना मैं आपको बता देता हूँ जैसे कैसे ओपन होगी, या तो फिर मैं इसको आपको अगली वीडियो में मतलब मैं आपको बता दूँ कि बाज़ार को कैसे ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता है ना, कमेंट बॉक्स किस लिए बना है भाई, वहाँ पर जा करके मुझे अभी इसी वक्त कमेंट करो कि हमें अपना बाज़ार को ओपन करना है। मैं उसके अगले ही दिन वीडियो बना दूँगा एकदम क्लियरली और एकदम बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब आप इसको फ्रेंड्स भी बनाओ। जैसे मेरा एक ये है फ्रेंड, इसने मुझे यो लिख करके भेजा है, ये लो हम भी। उसने एक ओ डाला, मैं दो ओ डालूंगा। स्टिल मेकिंग वीडियो, हाँ यस भाई। इसको मैं बोल देता हूँ आइलैंड पे आ जाओ। अब यहाँ देखो ये जो पोर्टल था ये हमारा आइलैंड है, समझ रहे हो। तो आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, और ये है मेरा फ्रेंड जेब्योक्स नाम का। और मतलब हाँ सर्वर बहुत ही बढ़िया है, तो मैं आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इसको मैं मैसेज भेज देता हूँ कि थोड़ा सा बाद में आते हैं, ओके। मैंने अभी इसको बोल दिया कि मतलब अभी थोड़ी देर बाद आई हो जब से मैं वीडियो बना लेता हूँ। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आइलैंड मिलेगा, मतलब सभी मतलब हाँ इस सर्वर को आप लोग कैसे खेल सकते हो और किस तरीके से खेल सकते हो। तो इसमें हमें एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, उससे आप लोगों को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। मतलब हाँ जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये देखो जैसे मैंने बनाया हुआ है ये पूरा आइलैंड देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग फार्म से भी कमा सकते हैं, मतलब इसमें ना एक बेसिकली एक ही हमारा गोल होता है, पैसा। पैसा कमाओ और बढ़िया बढ़िया आर्मर्स लो। जैसे मेरा ये आर्मर है, अब मेरा जो ये आर्मर का कॉस्टली 35-40 मिलियन पहुँच जाता है इस वाले आर्मर का। इसमें मिलियंस मतलब चलता है मिलियंस में, ये 30 मिलियन का है। और मेरे पास एक स्वॉर्ड है ये रही, ये भी मतलब हाँ कि एक ऐसी स्वॉर्ड है किसी से भी आप लोग लड़ सकते हो, किसी भी जॉम्बी किसी भी स्लेयर को कर सकते हो। हाँ तो आप लोग सोच रहे होंगे, एक और कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि मैं उड़ कैसे पा रहा हूँ और मैं इतनी ऊंची ऊंची जंप्स कैसे लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर होता है एक बूस्टर कुकी नाम का एक चीज़ होती है, मतलब खाना टाइप, और एक होता है गॉड पोशन। उन दोनों को आपको अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ को खाते हो तो आप उड़ने लग जाते हो और इतनी ऊंची ऊंची जंप्स लगा लेते हो, ठीक है। और ना इसमें एक मेन चीज़ तो ये है कि इसमें मिनियंस होते हैं। जैसे मैंने बहुत 9 मिनियंस लगा रखे, एक ये रेडस्टोन मिनियन, रेडस्टोन
स्नो मिनियन, और ये स्नो मिनियन, स्नो मिनियन, आइस मिनियन, स्नो मिनियन, और ये नाम भूलियो मैं सा, क्वार्ट्स मिनियन। तो ये मिनियंस को ये आपको एक एक लेवल के मिलेंगे, आपको इसे अपग्रेड करना पड़ता है। और अगर आप लोगों के पास मिनियंस नहीं है तो भाई मेरे इस मेरे आइलैंड पे विजिट कर जाना, जब मैं ऑनलाइन होऊंगा मैं आप लोगों को 9 से मैक्स मिनियंस दे दूंगा, जिस तरीके की आपकी नीड है। अगर आप न्यू प्लेयर हैं तो मैं आपको 5-6 मिनियन दे दूंगा, जिससे आप लोग अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें ना सबसे अच्छा मिनियन मुझे लगता है, मुझे पर्सनली मैं अगर दूँ तो एक स्लो मिनियन और एक ये, ठीक है। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ये नेदर स्टार स्काई ब्लॉक मेन्यू। तो इस पे के लिए पहले क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये रही आपकी प्रोफाइल, यहाँ पर अपने हार्ट्स देख सकते हो आपके, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्रिट डैमेज वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। ये मतलब ये सारी चीज़ें तो मैं इस वाली वीडियो में समझा नहीं सकता हूँ, पर आने वाली वीडियोस में आपको ये ज़रूर समझाऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो वही किसी ने कह रहा हूँ मैं, आप लोग मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और फर्स्टली इसमें ना पेट्स भी होते हैं, और यकीन मानो पेट्स की इसमें बहुत ज़्यादा औकात है, मतलब औकात ही औकात है उसकी। अगर पेट आपके पास बहुत बढ़िया पेट है ना, तो आपका 100,000-100,000 डैमेज भी जा सकता है, मिलियंस में डैमेज जा सकता है आपका। इसमें मेन डैमेज भी होता है, मतलब डैमेज भी आपको अपना बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलती है योर स्किल्स, आपको ये स्किल्स ही बढ़ानी। जैसे मेरा 18 एवरेज है, और 18 मतलब एक ठीक ठाक मात्रा है, बहुत प्रो बंदा कहला सकता है। आपको सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप लोग कमेंट करते हो कि अपना बाजार और अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएं अच्छी तरीके से, तो वो बता दूंगा। और इसमें मेन चीज़ ये है कि एक ये आपको इसे ज़रूर बढ़ाना है, एक ये माइनिंग और एक कॉम्बैट और एक फ्रोजिंग, ये चार चीज़ें आपको मतलब बढ़ानी ही बढ़ानी है किसी भी कीमत पे। और ये तो आपकी टाइम टू टाइम बढ़ती रहेंगी, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लेकिन ये चार चीज़ें आराम से 10 लेवल या 10-20 लेवल के ऊपर पहुंचाना है, ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, पहले चलते हैं यहाँ पर। और फर्स्टली आप लोगों को स्काई ब्लॉक हब में आ जाना है, जैसे मैं आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहले तो ये मिलता है ऑक्शन हाउस, बाजार, बैंक, ठीक है। और इधर ये डंजन है, मैं फ्यूचर में कभी देखेंगे आगे चल करके। और ये हमारा इसमें ग्रेवयार्ड भी होता है, ये बिल्डर शॉप है, आप अपना सामान ले सकते हैं यहाँ से, जो जो आपको अपना घर वो चीज़ें बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है, अब मेरे पास सॉर्ड है, अब मेरा डैमेज देखो 24,000 जा रहा है, ठीक है। ये तो बहुत अभी मतलब ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन बंदों का तो 100 मतलब मिलियंस में जाता है डैमेज, ठीक है। ये देखो मतलब डैमेज ठीक है, वन क्लिक में मर रहे हैं सारे, ठीक है। और अब मैं ये मैंने आपको ग्रेवयार्ड दिखा दिया, टाइम टू टाइम मैं आपको और भी चीज़ें दिखाते रहूँगा। और इसमें ना बंदे बहुत सारे हैं भाई, तो आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब चलते पहले ऑक्शन हाउस में, देख रहे हो कितने बंदे खड़े हैं। यहाँ पर आपको कोई से भी NPC पे क्लिक करना है, जैसे मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पर आपका ऑक्शन रहता है, ये क्रिएट ऑक्शन है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर मैंने अभी 14 चीज़ें लगाई हुई हैं। और आप लोग समझ सकते हो ये जो मैंने 14 चीज़ें लगा रखी हैं, इसका पूरा कोस्ट 60 या 50 मिलियन से ऊपर, अगर सारी चीज़ें बिक जाती हैं 60 से 50 मिलियन तक का मेरा सारा सामान इन सब का कोस्ट अराउंड पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया। अगर आप लोगों को कोई अपना ऑक्शन लगाना है तो ये यहाँ पर क्लिक करना, आप अपना खुद का ऑक्शन लगा सकते हो अपने प्राइस मनी के हिसाब से। और ये उसके लिए है जब आपने किसी पर बिड की होगी, ठीक है, अपने किसी पे बिड की होगी तो यहाँ पर दिखाएगा वो चीज़। अब आते हैं इधर ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर अपनी ऑक्शन की चीज़ें ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बिड ओनली लिख रखा है, मतलब बिड ओनली सही है, जिससे क्या होता है कि आपने सीधे पैसे दिए वो सामान आपके डायरेक्टली आ जाएगा, इस पर आपको बिड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ऑक्शन में है, आपको बिड करनी पड़ेगी जब आपको मिलेगा सामान ना, जब आपकी सबसे ऊपर वाली होगी, तो बिड वाला मेरे को सही लगता है। यहाँ मैंने लोएस्ट बिड पे कर रखा है, इसको मैं हाईएस्ट बिड पे कर लेता हूँ, जिससे आपको सामान दिखा पाऊँ मैं। अब मैंने इसको हाईएस्ट बिड पे कर लिया, अब ये देख लो मतलब 200 मिलियन के यहाँ पर शॉर्ट्स
ये मतलब ये चावल नहीं है, ये एक स्वाड की तरह ही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। इसको हम मिदाल स्टाफ के नाम से कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रहे हो, जूजू बो, ये आपको खोलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सेकेंडली अब दिखाता हूँ आपको आर्मर्स। आर्मर्स तो मतलब इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ ये होता है, जैसे सुपीरियर आर्मर वगैरह, ये सारी अच्छे अच्छे आर्मर्स होते हैं। और आप लोगों को आर्मर्स के ऊपर एक अलग ही वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर अलग ही वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए सही रहेगी और आपको हेल्प करेगी गेम खेलने में, इस वाले सर्वर को खेलने में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड चीज़, जैसे ये है हमारा बाज़ार, बाज़ार एली, और यहाँ पर आपको जैसे ये रहा हमारा NPC, इस पर क्लिक करोगे, ये अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये अभी आपका ओपन नहीं होगा, ये आपका अभी ओपन नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पर एक सेल ऑर्डर लगाया था और वो बिक गया है, मैं क्लेम कर लेता हूँ 2000 रुपये, मेरे को 2000 रुपये मिल गए क्योंकि मैंने एक सेल ऑर्डर लगाया था। और ये मतलब बाज़ार है, यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें खरीदो बेचो, और यहाँ पर मतलब जो जो आपको मेन चीज़ चाहिए होती है सारी चीज़ें। मेन तो मुझे ऑडिलिटीज में है, जो ऑडिलिटीज़ है यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी अच्छी, जैसे ये बूस्टर बुक, ये 8 मिलियन का है, ये रिकॉम्बेटर 3000, ठीक है, ये कॉम्पैक्टर, मतलब आगे चलकर मैं आपको बहुत सारी ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। और ये हमारा लंबर मर्चेंटर, यहाँ से अपनी वुड्स वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। ये भी एक ज़ॉम्बीज का वो करता है, ठीक है। और दोनों ही वाला बाज़ार और ये वाला बाज़ार दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है, बस ऐसी जगह अलग अलग कर रखी है। और अब आते हैं बैंक पे, ये है हमारी बैंक, और जैसे ही आप ये बैंकर है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देते, एक कोप बैंक अकाउंट और एक ये पर्सनल बैंक अकाउंट। तो जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनल बैंक अकाउंट में कोई फ़ायदा नहीं है, कूप बैंक अकाउंट में फ़ायदा, इससे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और यहाँ पर मैंने 100 मिलियन तक का इसको अपग्रेड कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है, तो मैं 100 मिलियन तक की इसके अंदर स्टोर कर पाऊँ, मेरे पास अभी मतलब 15 मिलियन है, तो हाँ आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक अमीर पर्सन ही, इतना भी नहीं हूँ मतलब था, अभी मैंने थोड़ा सामान वान खरीद करके पैसे खर्च कर दिए हैं ना, इसीलिए मैं गरीब हो गया। मेरे पास 60 से 70 मिलियन 80 मिलियन तक की रुपीस थी, तो हाँ आप समझ सकते हो मैं एक अमीर बंदा हूँ। सेकेंडली अभी यहाँ सारी ये वाली चीज़ें, इधर ये वाली चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊँगा, और बाकी और भी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। तो आई थिंक वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और आने वाली वीडियोस में आपको और भी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है, और भी चीज़ें समझाने वाला हूँ, और बेस्ट मनी मेकिंग ट्रिक्स भी मतलब मैं आपको दूंगा, जिससे आप लोग अपने आपको अमीर और पावरफुल बना सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।